Hello everyone, I am Saloni Dhiman and you are watching Dhiman's Academy. Today I am going to teach you about the concept of stock. Accounting terms में stock क्या है, क्या types का है, वो सब हम इस video में पढ़ेंगे. I am saying this thing again that we are not going to insist, I am not going to insist on definition of stock. We will just know the concept और हम concept तभी समझ सकते हैं when we have good examples to support it. So let's start with this video. Stock क्या है? Goods lying unsold at the end of accounting period. अब मेरी बात सुनो, आप कपड़े की शॉप पे जाते हो, देखते हो या किसी शोरूम पे जाते हो, स्टॉक. अपने आउट साइड क्या देखते हो आप अपने सराउंडिंग्स में? दैट पर्टिकुलर शॉप इज़ फुल ऑफ क्लोथ्स. क्या है? बहुत सारी टी शर्ट्स हैं, बहुत सारी जीन्स पड़ी हैं. तो आप क्या करते हो, उस वैरायटी में से ये चूज़ वन और टू अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. लाइकवाइज अगर आप किसी फर्नीचर शोरूम में गए हो, वहाँ पे एक स्पेशल कॉर्नर होगा जहाँ पे सोफ़ाज हैं, एक स्पेशल कॉर्नर है चेयर्स के लिए, टेबल्स के लिए, बेड्स के लिए. सो मीन्स क्या है, किसी भी बिजनेस मैन को जिस बिजनेस में वो डील करता है उसका उसको स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है. राशन वाले अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं, कपड़े वाले अपना स्टॉक मेंटेन करते हैं. सो स्टॉक इज़ अ स्टॉक, या फिर जब हम गुड्स पाइल अप करते हैं इन आर बिजनेस उसको हम स्टॉक बोलते हैं. मेनली स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. स्टॉक का दूसरा नाम है इन्वेंट्री. तो अगर आपको ये MCQ में क्वेश्चन आता है, मेक श्योर यू डोंट मिस इट. सो स्टॉक दो तरह का है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. व्हाट डज इट मीन? बिफोर स्टार्टिंग दिस कॉन्सेप्ट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड. आप सभी को पता होगा इंडिया में अकाउंटिंग पीरियड फॉलो होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट्स एंड ऑन 31 मार्च. तो क्या होता है, 1 अप्रैल में मेरी शॉप में जितनी टी शर्ट्स पड़ी होंगी, सपोज़ 1 अप्रैल में मेरी शॉप में 10 टी शर्ट्स पड़ी हैं, तो ड्यूरिंग द ईयर दिस अप्रैल टू मार्च मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स बाय भी की हैं, बहुत सारी टी शर्ट्स सेल भी की हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास 15 टी शर्ट्स अभी भी अनसोल्ड हैं जो कि इस साल बिकी नहीं है. सो द स्टॉक विच इज़ ऑन द ओपनिंग डेट, जो 1 अप्रैल या ओपनिंग डेट ऑफ ईयर पे स्टॉक है, दिस इज़ माई ओपनिंग स्टॉक. एंड जो मेरा स्टॉक पूरे साल के आखिर में मेरे पास बचा है, जो अभी तक बिका नहीं है, उसको मैं क्लोजिंग स्टॉक बोलूँगी. एक चीज़ और याद रखना है, अभी क्या करोगे आप इस साल? सपोज करो टुडे इज 31 मार्च 2020 एंड यू हैव 15 टी शर्ट्स इन योर स्टॉक. कल 1 अप्रैल है, आपको लगता है कि आप वो 15 टी शर्ट्स फेंक दोगे और कल नई टी शर्ट्स लेके आओगे? बिग नो. क्या करोगे, जो आपकी आज वाली टी शर्ट्स है अब बुक्स क्लोज कर लोगे, उसमें रिकॉर्ड कर लोगे दैट ऑन 31 मार्च 2020 आपके पास 15 स्टॉक है. कल 1 अप्रैल आप वही टी शर्ट्स को कैरी डाउन करोगे. व्हाट आई वांट टू से इज, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा. लाइक अगर मैं बोलूँ ये अकाउंटिंग पीरियड में आपका था अप्रैल 2019 टू मार्च 2020, तो जब 1 अप्रैल 2020 आएगा ये 15 टी शर्ट्स ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगी. फिर पूरे साल आप खरीदोगे, बेचोगे एंड एट द एंड ऑफ ईयर आपके पास कुछ और स्टॉक की वैल्यू होगी. सो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वन ईयर विल बिकम ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. फिर आपके पास आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक. इस कॉन्सेप्ट को मैं हमेशा एक ही एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करती हूँ, वो है वुड की एग्जाम्पल, फर्नीचर मेकिंग के एग्जाम्पल. तो अगर आपको एक टेबल रेडी करना है, राइट, इसके 4 लेग्स होंगी, थोड़ा ग्लास होगा ऊपर, ठीक है, और ये अच्छे से आप बना दोगे, इसको फिनिशिंग लुक दे दोगे, पॉलिश कर दोगे. सो ये आपके पास तैयार टेबल है. इसको बनाने के लिए यू विल रिक्वायर वुड. आपको एक वुड का पीस चाहिए, ठीक है. तो वुड इज़ योर रॉ मटेरियल जो आप किसी से बाय करोगे. उसके बाद जब आपके शॉप पे आएगा, आप उसको वुड को कटिंग करोगे. अभी टेबल बनाया, 4 लेग्स भी बना ली, पर अभी इनको जोड़ना बाकी है.
जब आप इसको जोड़ोगे देन इट विल बिकम रेडी, वो रेडी हो जाएगा एंड इट इज़ रेडी फॉर सेल. सो आपका आपके पास रॉ मटेरियल है अभी, आपको ज़रूरी है रॉ मटेरियल वुड बनाने के लिए, लेकिन इस पर आपने अभी काम नहीं शुरू किया है, अभी जस्ट ऐसे ही लेके आए हो एंड वैल्यू इज स्टिल टू बी एडेड. फिर आपके पास आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, ये वो मटेरियल है जिस पर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, बट इट इज़ नॉट रेडी येट, अभी तैयार होने वाला बाकी है. अब इस लेग्स को फिक्स करोगे, गम अप्लाई करोगे, ग्लू अप्लाई करोगे, उसके बाद फिनिशिंग करोगे, पॉलिशिंग करोगे एंड लास्ट पे ये फिनिश्ड गुड्स बन जाएंगी एंड दीज आर द गुड्स विच आर रेडी टू सेल. तो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ स्टॉक. आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. बहुत ही आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने वीडियो बनाई है. इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक ऑन माई टीचिंग्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.